Krishna 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 जय जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, महाप्रभु श्री जगन्नाथ कर्तुम परतुम प्रपर्तुम जे करिवा एवं जे पालन करिवा आ जे संहार करिवा कर्ता होउचंती महाप्रभु जगन्नाथ। आ महाप्रभु जगन्नाथ होउचंती भावग्राही, से होउचंती पतित पावन, आ से होउचंती वांछा कल्पतरु, जहाँ इच्छा करिवे आ से होउचंती रहस्यमय, से होउचंती रहस्यमय दिय एवं नीलाचल नीलाद्री से आविष्ट अच्छा पाख को आकर्षित ही आसी संथ भक्त आचार्य एवं जुग पुरुषोत्तम माने यही अनुक्रम आसी नवदीपुर श्रीकृष्ण चैतन्य देव। श्रीकृष्ण चैतन्य देव संपर्क एवं महाप्रभु श्री जगन्नाथ संपर्क आलोचना करूला बेले आमर महाप्रभु कार्यक्रम आज विषय वस्तु अच्छी नीलाचल पथे पथे। प्रिय दर्शक बंधु, नीलाचल पथरे आसुचंती, नीलाचल उद्देश्य रे आसुचंती, मुखरे जय जगन्नाथ एभली स्फुरित होउछि, उन्मत्त अवस्था रे अछंती, भाव महाभाव स्तर रे अछंती चैतन्य देव। आ चैतन्य देवंकर सहित रे आसुचंती मात्र चारि जण बंधु, जणे होउछंती नित्यानंद प्रभु, आउ जणे होउछंती दामोदर पंडित, एवं आउ जणे होउचंती मुकुंद दत्त एवं जगदानंद। ए चारि जण तांका सहित रे अछंती, से माने आसी पहुँचि सारिचंती विशेष भाव रे छत्रभोग घाटरे, एवं रामचंद्र खां जे तांको पारी करिवारे सहयोग करथिले। आपण माने पूर्व अध्याय मानक रे संपर्क रे सुनिचंती, आपण माने सुनिचंती अम्बु लिंगेश्वरंक संपर्क रे। तत्सहित आपण सुवर्णरेखा नदी पाखरे पहुँचिंटे, सुवर्णरेखा नदी पर आसी पहुँच जलेश्वर, जलेश्वर महादेव पाखरे, जलेश्वर महादेव पाखरे जिभली उन्मत्त, जिभली उदंड नृत्य से आविष्ट होती समवेत भक्त मान सहित, ता अवर्णनीय। आ विशेष भाव आम जीवा आगक जावा रेमुणारे कि लीला कर प्रसंग को जीवा। ए मन्ते रहि जे रजनी जलेश्वर रे गौरमणि, आउ चलिले प्रभात काल रे सकल गण संगत रे। प्रिय दर्शक बंधु, जो मने गौरचंद्रक सहित मिशुचंती विशेष भाव रेमुणारु आसीबा परे जलेश्वर से भिक्षा करिचंती, जलेश्वर अनेक भक्त अनेक तांकु श्रद्धालु श्रद्धार सहित आत्मनिवेदन करिचंती, नृत्य रे एवं कीर्तन रे समवेत होइचंती, प्रभात प्रभात सकाळ सकाळ जलेश्वर छाड़िचंती, आ जलेश्वर छाड़ी आसीचंती रेमुणा दिगरे आसी पहुँचिचंती। रेमुणारे जेतेबेले आसीचंती रेमुणारे गोपीनाथक दर्शन होइछि, आ गोपीनाथ प्रिय से निजे तो स्वयं कृष्णचंद्र बोली गुरुदेव तंकु नामकरण कर श्रीकृष्ण चैतन्य बोली रेमुणारे आसी पहुँचुचंती। मन्ते से ही शक्त संग करीण रंग श्री गौरांग। प्रिय दर्शक बंधु, जेतेबेले जलेश्वर छाड़िचंती आउ आसी पहुँचंती रेमुणारे जणे शक्त सन्यासी तांको सहित भेट होती, से शाक्त सन्यासी जो भेट होती, से शाक्त सन्यासी भेट हला जो कथोपकथन घटी से बड़ उच्चकित भाव अपेक्षा बड़ कौतुक घटना घटी। से कौतुक घटना हूँ यही से प्रौढ़ी प्रदर्शन कर शाक्त भक्त शाक्त सन्यासी जनक बुझिपारी गौरचंद्र बुझिपारी नित्यानंद परस्पर गौरचंद्र और नित्यानंद हसुचंती मुरुकी मुरुकी हसुचंती, किंतु जहाँ जहाँ कहुचंती से ही शाक्त सन्यासी ताको प्रतिपालन करुचंती एवं कहुचंती मोर भाग्य आपण सहित दर्शन मिलला। प्रिय दर्शक बंधु, ये आम बुझाक अच्छी भल गुण गुड़िक निश्चित भाव श्रवण करवा उचित। सुतरां ये जो बंधु जन को भेटिले बंधु बोली स्वीकार कर गौरचंद्र एवं अहोभाग्य बोली से डाकि मठ को आश्रम को डाकि नहीं कहते आज आनंद करवा मजा करवा कौन आनंद करवा मद्यपान आनंद करवा
अर्थात तांको संस्कारित करुचंती गौरचंद्र ये हूँ भगवान कर भगवत पुरुष जुग पुरुषोत्तम कार्य प्रथम निश्चित भाव संस्कारित कर दिखती जोटि विपथगामी हो जाइए से सन्यासी हूँ भक्त हूँ साधारण मनीष पराहत जीव हो दर्शक बंधु से आग संस्कारित कर दिखती जे संस्कारित हाबाक अच्छे से संस्कारित हे जे संस्कारित हाबाक नहीं सेपर ना ठीक से भली भाव रे सेही सन्यासी जो शाक्त सन्यासी निजे निजर त्रुटि को बुझिपारिचंती संस्पर्श रे आसिला परे निज त्रुटि को से संशोधन करिचंती आउ खूब आनंद रे गति करिचंती आग को नित्यानंद प्रभु एवं गौरचंद्र रे मुणा ग्रामे आसी करी प्रवेश गौर श्री हरि होइले प्रभु तहु सुखी सो मूर्ति गोपीनाथ देखी एवं से रेमुणा ग्राम रे जेतेले गोपीनाथ को दर्शन करिजंती सो मूर्ति बोली कहा जाइछि अर्थात निजे जमिति स्वयं श्री कृष्णचंद्र सो मूर्ति दर्शन करिचंती कहांकु ना गोपीनाथ को गोपी मानकर नाथ हे नाथ हे नाथ सर्वमय नाथ जानकीनाथ हुवंतु बा गोपीनाथ हुवंतु हे नाथ करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते प्रिय दर्शक बंधु राधांकर स्वभाव महाप्रभु चैतन्य देवंकर सही स्वभाव युक्त से थिले सही गोपीनाथ मूर्ति को दर्शन करी आवेशित होइचंती श्री गौरचंद्र कहिले विस्तर कले कनर्तन घेनी सकल भक्त गण जिते जलेश्वर आसी भक्त मान सहित रेमुणारे जिते बड़े दर्शन करते गोपीनाथ को दर्शन करिचंती समस्ते भक्त मान तन्मय होती कारण स्पर्शरे समस्ते स्पर्शायित जमीती कहा जाए कुसुम परसे पट निस्तरे ये कौ गचर फूल ये कौ गचर फूल जमीती कहा जाए ना चंपा गचर फूल ये मल्ली फूल जमीती कहा जाए अर्थात पट निस्तरे कोह कहार पट अर्थात कोहु वृक्षर ना ये हूँ यही वृक्षर जमीती कहा जाए से पट निस्तरी जाए कौपाई ना से ही फुलपाई प्रिय दर्शक बंधु विशेष भाव आम जो संगी माने थिले भक्त माने थिले से निजे नृत्य करिवा आरंभ करिचंती कहांग पाखरे ना गोपीनाथंक सम्मुखरे रेमुणारे एही होची तांकर कीर्ति आज पर्यंत मध्य प्रिय दर्शक बंधु ताहाको तीर्थक्षेत्र परिणत होइछि कारण से दिन षोडश शताब्दी रे अर्थात 1509-10 मसीहारे जो गति करुचंती जगन्नाथ रथरे जगन्नाथ पथरे जो आसुचंती ए जगन्नाथ पथरे आसुथिला बेले रेमुणारे ए कीर्ति घटेइचंती गोपीनाथ दर्शन कला बेले समस्त को नहीं भक्त वृंद को नहीं नृत्य आरंभ करिचंती जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम महामंत्र जप चली जगन्नाथ जगन्नाथ जपरे निजे आविष्ट होती आपना प्रेमे हेले मत निज को होइले विस्मित करुणा कटाक्ष प्रकाशी कांदंती प्रभु गौर शशी गौरचंद्र क्रंदन करुचन जे जेतेबेले नृत्य करिचंती जो स्थान नृत्य आरंभ हो जो समय रे जो स्थान रे आविष्ट होती के गोपीनाथ को देखिए आविष्ट होती से शिवशंकर को देखिए आविष्ट होती भक्त को देखिए आविष्ट होती कहांकर साहचर्य नहीं मध्य आविष्ट होती कीर्तन करिचंती नृत्य करिचंती क्रंदन मध्य करिचंती करुणा कटाक्ष प्रकाशी कांदंती प्रभु गौर शशी प्रिय दर्शक बंधु आम मानक उदाहरण भाव में आम नहीं पार जिते धर्म ध्वजी अच्छा ध्वजा कहले पताका धर्मर पताका उड्डयमान
उड्डयमान अर्थात उड़ौंती धर्मर पताका उड़ौंती से ही दिग्गज मानक भितरे से ही भाव नाही बोली कहा जाइछि। श्रवण करी से कारुण्य जो कारुण्य प्रकाश करिथिले काठ आउ पाषाण मध्य से ही भाव रे द्रवीभूत हो जाउथला किंतु न द्रवंती किए न द्रवंती द्रवीभूत हुवंती नाही से ही भाव रे भावित हो पारंती नाही को माने जो मानकर अहंकार अछि धर्मध्वजी धर्मर पताका उड़ौंती जो माने से मानकर एभली भाव सृष्टि हो पारु नाही बोली कहा जाउछि। आम मानकर विशेष भाव रे अहंकार अछि मुते धनी मुते ज्ञानी मुड़े विद्वान मुड़े पंडित इत्यादि इत्यादि यही जो पंडित ठारु आरंभ करी ज्ञानी पर्यंत धनी पर्यंत यही भाव जो थाए क्यों भाव ना या कहती अहं भाव यही अहं भाव जो अच्छी से केवेले क्रंदन करना कौथेरे ना महाप्रभु जगन्नाथ उद्देश्य महाभाव इटि आ गोटे कथा कहुई यही मत महाप्रभु चलिला नीला चले चारि भक्त संगे कृष्ण कीर्तन कृतूहले चैतन्य चरितामृत जहाँ लिखाही महाप्रभु श्री चैतन्य देव चारि भक्त सहित यात्रा करुचंती यात्रा समय पहुँची रेमुणा ठारे एवं जहाँ श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिखिंट गोटे पद आम श्रवण करवा मूल प्रसंगर अला रेमुणा ग्रामे गौरांग श्रीहरि आसी कौन कले ना रेमुणाय देखी निज मूर्ति गोपीनाथ विस्तर करा नृत्य भक्त वर्ग साथ भक्तवर्ग सहित से नृत्य आरंभ कले ये हूँ मूल चैतन्य चरितामृत कथा जहाँ ओडिया आम नवाखरी वृत्त में कहचे से कथा सहित मिसेवाई ये पदटी आप श्रवण करी रेमुणाते गोपीनाथ परम मोहन भक्ति करे कैला प्रभु तार दर्शन आउ तार पाद पद्म निकट प्रणाम करीते तार पुष्प चूड़ा पड़िल प्रभुर माथाते चूड़ा पाया प्रभु मने आनंदित होया बहु नृत्य गीत कैला भक्तगण लया। प्रिय दर्शक बंधु गोटे घटना घटी जाए से स्थान रे जितेबले से दर्शन करुचंती गोपीनाथ को सेतिक बेले गोटे फूल खसी मस्तक पड़ी जो फूल खसी मस्तक पड़ी पादपद्म कहकर ना गोपीनाथ पादपद्मर पुष्प जो पड़ी मस्तक भितर भाव सृष्टि अर्थात से ही पुष्प चूड़ा पड़ा पर अर्थात आशीर्वाद घटी ये आम विशेष भाव में प्रिय दर्शक बंधु जितेबले आम दिं को फूल लगी करू से फूल लगी बेले फूल खसी पड़े बेले बेले फूल खसे सब बेले फूल खसेनि फूल खसी पड़े एवं जितेबले पूजक कहीदे आपण मैंने जो संकल्प कर फूल नवेदन करते प्रभु आनंदित अच्छा फूल खसी पुष्प चूड़ा खसी चूड़ पुष्प खसी आनंदित प्रकाश करती एवं भक्त जे निवेदन करते से मध्य आनंदित होती ये हूँ प्रभुंर करुणा ताकू बुझा हम जितेबले आशीर्वादित होती गोपीनाथंर से रात्र रेमुणारे निवास करेमुणा हूँ एक पवित्र स्थान जो भाव में वैष्णवीय भाव सृष्टि आवरे भावित होते भाव भावित होते श्रीकृष्ण चैतन्य देव से ही भाव भावित आज पर्यंत रेमुणावास से राति रही तत्पर गति करेमुणु से राति ये लीला करी मने पकई देइचंती मध्य ईश्वरपुरी कथा मने पकई देइचंती मध्य माधवपुरी कथा एवं किभली भाव में कृष्णचंद्रंकर दया हेची क्षीर प्रसाद प्राप्ति हेची से ही अनुसार क्षीर चोरा गोपीनाथ से हेचंती ये प्रसंग आपण श्रवण कले एबे आगुकु जीवा रेमुणारु से आसुचंती जाजपुर दिगरे जाजपुर दिगरे जो आगमन करुचंती प्रिय दर्शक बंधु एटी गोटे कथा मन रखंतु
जेतेबेले इतिहास रे आमर गंगवंशर शासन होइछि, सूर्यवंश शासन होइछि, गंगवंश शासन होइछि, आउ विशेष करी केसरी वंश शासन होइछि। ए केसरी वंश समय बेल को जजाति केसरी थिले सेतेबेले आमर राजधानी थिला जाजपुर थिला। आउ जाजपुर रो राजा जो होछन्ति केसरी वंशर राजा जजाति केसरी, ए मध्य जगन्नाथंकर प्रिय भक्त। आउ जगन्नाथंक उद्देश्य रे माने संपूर्ण भाव समर्पित। जेतेबेले बार बार मुसलमान मानकर आक्रमण होइछि, प्रभु ब्रह्म निजे विभिन्न जगार लुचैंट तंकर पंडा पढ़िहारी माने ब्रह्म को से ब्रह्म को खोजापी जा पथर जाने यही क्षेत्र में आसी पहुँचुंट जाजपुर क्षेत्र में आसी पहुँचुंट श्री चैतन्य देव। तेबे केतेक दिने प्रभु गौर आसी प्रवेश जाजपुर अद्भुत बराह मूर्ति जहि प्रकाश करिछंती होइले जाहांक दर्शन सकल बंध विनाशन आउ बहई जथा नदी पूणी से महातीर्थ बैतरणी। प्रिय दर्शक बंधु, जाजपुर शब्द शुणी सारा परे आपण मानक हृदय निश्चित भाव प्रकंपन सृष्टि होतिबो, कारण राजांकर पृष्ठपोषकता अछि आ विशेष भाव रे बराह मूर्ति सेठी अछन्ति। मत्स्य कच्छप बराह जो दश अवतार मध्य भगवान जो बराह मूर्ति धारण करते बराह मूर्ति पूजा पाँच जीवंत मूर्ति पर बराह मूर्ति आविर्भूत होती कौ स्थान ना जाजपुर रे। कारण आपण मैंने जानती जो भाव में भगवान कृष्ण कृष्णचंद्र लीला शेष हो जाला सरीगले कौन सी कौन पलि जाती कि भक्त मानी से प्रतीक्षा कर हरिदास जो भाव में कीर्तन भितर संगीत भितर पुणी आउ थे अवतरण कर कृष्णचंद्र को नित्य धाम रु भौम धाम को अवतरण करम कौन जानती बांके बिहारी। जमी बांके बिहारी भाव से पुणी अवतीर्ण होते से भाव अवतीर्ण हो कौटी ना जाजपुर बराह मूर्ति। ये बराह मूर्ति को प्रथम से दर्शन कर श्री गौरचंद्र नित्यानंद प्रमुख बंधु माने एवं तांक सहित भक्त माने बराह मूर्ति दर्शन करिसेंते। ओ भाग्य बराह मूर्ति दर्शन रे अनंत सौभाग्य फिटि जाए, पाप कलमस विमुक्त हो जाए मनीषर। यह सहित आउ गोटे कथा कहा जाइछि से सकल बंध विनाशन जिते प्रतिबंधक से प्रतिबंधक हटि जाए जदि आपण माने जे दर्शक बंधु दर्शन करिवे से ही बराह मूर्ति को जाजपुर आविष्ट होता आ जीवंत भाव में आविर्भूत होता बराह मूर्ति को दर्शन करती दर्शन कले आनी कौन आउ गोटे कथा कह जा बहए जथा नदी पुणी से महातीर्थ बैतरणी। बैतरणी नदी प्रवाहित हो जाजपुर मध्य बैतरणी नदी एक पवित्र नदी जमती कहुए जमती संसार रूपक घोर संसार रूपक समुद्र पार होगापी हेले जमी कहुए बैतरणी पहाड़ी कथा मध्य से भली कहा जाए अर्थात संसार रूपक बैतरणी अर्थात आम जीवन जाह्नवी अर्थात ये बैतरणी सदृश ए बैतरणी को पार होगा कथा कहुए। प्रिय दर्शक बंधु, बैतरणी संपर्क टिके दुईधाड़ी कथा शुणा जहार दर्शन मातर आपणा पाप हुए दूर। जदि बैतरणी के आपण दर्शन भी करिचंती पाप दूर हो जाए विश्वास रखु। प्रिय दर्शक बंधु, बैतरणी एभली भाव में गंगा सदृश गंगा परी मध्य सुप्राचीन मध्य एक वैदिक नदी होती नदी कह तो भूल आज्ञा ये भली जाह्नवी बैतरणी जहाँ को दर्शन कले पाप क्षय हो जाए। जे कौनसी जंतु पार होइबा मात्रे से नदीर आउ चतुर भुज देवगण ताहाकू करंती दर्शन। ये बैतरणी नदी रे जो गोटे जंतु पारी हो जाए जदि दौड़ी दौड़ी जंतुटे पलाऊँच से चतुर्धा मूर्ति धारण करे। ते दर्शक बंधु,
स्कंद पुराणु मन पकईदे गोटे कथा जमी महाप्रभु श्री जगन्नाथ क्षेत्र में सुशीला काकटीए आसला तुषार्त काकटीए जोबले से नीलाद्रे से पहुँचला और रोहिणी कुंडर जलपान कला चतुर्धा मूर्ति धारण कला महाप्रभु जगन्नाथ क्षेत्र महिमा यह तुषित छार काकटीए काकटीए चतुर्धा मूर्ति धारण करुवा क्षेत्र हूँ महाप्रभु जगन्नाथ क्षेत्र ठीक से भाव में बैतरणी यही महिमा महात्म्य अच्छी जदि जीवटीए पशुटीए अतिक्रम कर चतुर्धा मूर्ति दर्शन करती देवता माने एक कथा कह जाए विख्यात नाभि गया नाम जहि बीरजा देवी स्थान ये जाजपुर प्रधान क्षेत्र होती बीरजा अच्छा नाभि गया कहुई जितेबले सतीदेवी विभिन्न खंड खंड शरीर विभिन्न क्षेत्र में क्षेत्रायित होती माँ देवी नाभिखंड पड़ी कौटी ना जाजपुर माँ देवी क्षेत्र हूँ नाभि गया क्षेत्र हूँ जाजपुर आ दस योजन परिमित दूर रु जे स्थान रु क्षेत्र लक्षे कबर से सबु नाम गणने अटई अक्षम एमंत स्थान तहि काहीं जे स्थाने देवालय नाही केवल देवदास स्थान अटे से जाजपुर प्राण ये हूँ जाजपुर क्षेत्र आठ दशाश्वमेध घाट अच्छा जोटी स्नान कले विशेष भाव आदि व्याधि दूर ही जाए दशाश्वमेध अश्व हूँ प्रवृति प्रकृति प्रकृति मान विखंडित हो जाती ये हूँ दशाश्वमेध घाट कौटी ना जाजपुर यही प्रभु श्री गौरचंद्र स्नान कर आनंद रे नृत्य करी से बालरे गढ़ी यही से क्षेत्र हूँ एक पवित्र क्षेत्र से स्थान रे पहुँची श्री चैतन्य चंद्र प्रिय दर्शक बंधु आपण माने अनेक कथा रेमुणा संपर्क एवं क्षीरचोरा गोपीनाथ संपर्क एवं तत्सहित जाजपुर को आसी बैतरणी नदी संपर्क महिमा संपर्क एवं तत्सहित दशाश्वमेध घाट आत्सहित विविध प्रसंग जेभली श्रवण कले एभली आहुरी अधिक सुंदर सुंदर प्रसंग श्रवण करिबा आगो को अध्याय मान करे एबे समय हि जाइछि विदाय दियंतु जय जगन्नाथ।